पाक श्रीलंका क्रिकेट मेला कराची से लाहौर पहुंच गया। टी20 मौके के लिए सीना सुपर शाहिनों की जिंदा दिलों के शहर आमद। एयरपोर्ट पर बोर्ड हुकाम ने टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी स्क्वाड सख्त सिक्योरिटी में होटल मुंतकिल। 10 साल बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम की आज लाहौर आमद। वज़ीर आला उस्मान बसार का तारीखी मौका पर इशारे मुसर्रत। बोले, जिंदा दिल लाहौर ये मेहमान खिलाड़ियों की रिवायती मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। टी20 मैचेस के लिए शटल सर्विस का भी एहतमाम। मैचेस के दौरान स्टेडियम के अतराफ मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। पाक श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए इंतजामात मुकम्मल। डीसी लाहौर मोहम्मद असगर जोया का कजाफी स्टेडियम में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के कंट्रोल रूम का जायजा। कैमरों की कारकर्दगी भी चेक की। 5 अक्टूबर को पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका पहला टी20 हौसला आजम रोड पर डायवर्शन। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए इजाफी वार्डर्स भी तैनात। मैचेस के दौरान मॉल रोड, छेल रोड, केनाल रोड, एमएम आलम रोड, फिरदौस मार्केट, कलमा चौक से बरकत मार्केट ट्रैफिक रवा रहेगी। डेंगू के वार जारी। वायरस में मुब्तला लाहौरियों की तादाद 146। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के मजीद 190 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। वायरस में उबतला जेरे इलाज मरीजों की तादाद 509 हो गई। डेंगू लार्वा के खिलाफ सलाई टीमें मुतहरिक। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 1447 लार्वा की तस्दीक की। 116 FIRs दर्ज कर ली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरियम नवाज से आज जेल में मुलाकात का दिन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वालिदा बेगम शमीम, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर अहले खाना दोपहर का खाना कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म और मरियम नवाज के साथ खाएंगे। पीएचए में भी इस्लाहात। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद की सरबराही में पीएचए लाहौर कोर कमेटी पंजाब और लीगल टीम का मुश्तरक इजलास। लीगल एडवाइजर शेख वकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। हाई कोर्ट में शॉपिंग बैग्स पर मुमकिन पाबंदियों के खिलाफ सभा। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर, सेक्रेटरी मोहल्लियात सुलेमान इजाज पेश, एडवोकेट जनरल सरदार अहमद जमाल सुखेरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान ने विफाक और सूबों की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का मुतल्लिका कानून साजी का ड्राफ्ट पेश करने का हुक्म। राणा सनाउल्लाह के वकील ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत वापस ले ली। साबिक वज़ीर कानून के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि सीसीटीवी फुटेज के मामले में वाज़ह पेशरफ्त पर दरख्वास्त समाअत वापस लेने की इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट में चौधरी निसार के हल्फ न उठाने के खिलाफ जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। लेडी कांस्टेबल की दायर करदा तो उन्हें अदालत दरख्वास्त पर आईजी से जवाब तलब। जस्टिस आयशा मलिक ने आबिद बॉक्सर का नाम ईसीएल से निकालने के लिए जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा सुनवाई 25 अक्टूबर तक मुलतवी। मातहत अदालतों में तमाम एडिशनल सेशन जजेस के थाने तब्दील। अदालती अमले ने सेशन जज लाहौर के अहकाम पर थानों के रिकॉर्ड का तबादला कर लिया। सेशन जज की हिदायत पर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 5 जजेस मुकर्रर। एहतसाब अदालत में यूथ फेस्टिवल करप्शन केस की समाअत। साबिक डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर के जुडिशियल रिमांड में 17 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। मुंह मांगी अदायगी के बावजूद पानी का बोर काम करना छोड़ गया। शिकायत पर दुरुस्तगी से साफ इनकार कर दिया। कैंट का शहरी ठेकेदार के खिलाफ सारिफ अदालत पहुंच गया। 1 लाख हरजाना केस में ठेकेदार 2 नवंबर को अदालत तलब। जिले इंतजामिया का यौम सफाई। एसी डायमंड अदनान बदर का LGBMC हुकाम के हमदा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निशानदेही पर मुख्तलिफ इलाकों से कूड़े के ढेर मुंतकिल कर दिए गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुलाजिम की 10 साल बच्चे से बदफेली पर पंजाब असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। मुस्लिम लीग नून की राबिया फारूकी का रंगे हाथों पकड़े गए मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई से आगाह करने का मुतालिबा। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों का शेड्यूल बहाल करने में नाकाम। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 4:45, कराची एक्सप्रेस 4:45, पाक बिजनेस 2 घंटे लेट, कलाक्रम एक्सप्रेस भी 2.25 घंटे और ग्रीन लाइन 2.25 घंटा लेट पहुंचेगी। ब्रायलर की रसद में कमी से कीमत में इजाफा। मुर्गी का गोश्त 3 रुपए इजाफे के बाद 244 रुपए फी किलो हो गया, जबकि फार्म अंडे की कीमत भी 1 रुपया बढ़ गई।
फार्मी अंडे 109 रुपए फी दर्जन हो गए। क्लब क्रिकेट का बड़ा मुकाबला ओडीसी लाहौर चैलेंज कप की तैयारियां उरूज पर। टूर्नामेंट में तीनों सिटी एसोसिएट्स के 64 क्लब हिस्सा लेंगे। ओडीसी हेड ऑफिस में मुनक्कदा इजलास में चैलेंज कप की तैयारियों से मुतालिक अहम फैसले। मौसम सरमा की आमद आमद, पहनाव और अंदाज बदल गए। दिलकश रंगों और मुनफरिद डिजाइनर्स पर मुश्तमिल मारूफ ब्रांड केसरिया ने नई कलेक्शन मुतारिफ करवा दी। फैशन की दिलदादा खवातीन ने नए आर्टवर्क को खूब सराहा। और अल्हम्ब्रा आर्ट सेंटर में चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की सालगिरह के हवाले से तकरीब। शुरका कैलेंडर अदाकार को जबरदस्त खिराजी अकीदत पेश। हिदायतकार सैयद नूर जरारिसी आगा हसन ने शिरकत की। पाक श्रीलंका क्रिकेट मेला कराची से लाहौर पहुंच गया। टी20 मौके के लिए सीना सुपर शाहीनों की जिंदा दिलों के शहर आमद। एयरपोर्ट पर बोर्ड हुकाम ने टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी स्क्वाड सख्त सिक्योरिटी में होटल मुंतकिल। 10 साल बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम की आज लाहौर आमद। वज़ीर-ए-आला उस्मान बसार का तारीखी मौका पर इशारे मुसर्रत। बोले जिंदा दिल लाहौर, ये मेहमान खिलाड़ियों की रिवायती मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। टी20 मैचेस के लिए शटल सर्विस का भी एहतमाम। मैचेस के दौरान स्टेडियम के अतराफ मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। पाक श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए इंतजामात मुकम्मल। डीसी लाहौर मोहम्मद असगर जोया का कजाफी स्टेडियम में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के कंट्रोल रूम का जायजा। कैमरों की कारकर्दगी भी चेक की। 5 अक्टूबर को पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका पहला टी20। हौसला आजम रोड पर डायवर्शन, ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए इजाफी वार्डर्स भी तैनात। मैचेस के दौरान मॉल रोड, चेल रोड, केनाल रोड, एमएम आलम रोड, फिरदौस मार्केट, कलमा चौक से बरकत मार्केट ट्रैफिक रवा रही। डेंगू के वार जारी, वायरस में मुब्तला लाहौरियों की तादाद 146। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के मजीद 190 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। वायरस में उब्तला जेरे इलाज मरीजों की तादाद 509 हो गई। डेंगू लार्वा के खिलाफ सलाई टीमें मुतहरिक। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 1447 लार्वा की तस्दीक की। 116 FIRs दर्ज कर ली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरियम नवाज से आज जेल में मुलाकात का दिन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वालिदा बेगम शमीम, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर अहले खाना दोपहर का खाना कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म और मरियम नवाज के साथ खाएंगे। पीएचए में भी इस्लाहात। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद की सरबराही में पीएचए लाहौर कोर कमेटी पंजाब और लीगल टीम का मुश्तरक इजलास। लीगल एडवाइजर शेख वकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। हाई कोर्ट में शॉपिंग बैग्स पर मुमकिन पाबंदियों के खिलाफ सभा। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर, सेक्रेटरी मोहल्लियात सुलेमान इजाज पेश। एडवोकेट जनरल सरदार अहमद जमाल सुखेरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान ने विफाक और सूबों की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का मुतल्लिका कानून साजी का ड्राफ्ट पेश करने का हुक्म। राणा सनाउल्ला के वकील ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत वापस ले ली। साबिक वजीर कानून के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि सीसीटीवी फुटेज के मामले में वाजे पेशरफ पर दरख्वास्त समाअत वापस लेने की इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट में चौधरी निसार के हल्फ न उठाने के खिलाफ जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त आए। लेडी कांस्टेबल की दायर करदा तो उन्हें अदालत दरख्वास्त पर आईजी से जवाब तलब। जस्टिस आयशा मलिक ने आबिद बॉक्सर का नाम ईसीएल से निकालने के लिए जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा सुनवाई 25 अक्टूबर तक मुलतवी। मातहत अदालतों में तमाम एडिशनल सेशन जजेस के थाने तब्दील। अदालती अमले ने सेशन जज लाहौर के अहकाम पर थानों के रिकॉर्ड का तबादला कर लिया। सेशन जज की हिदायत पर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 5 जजेस मुकर्रर। एहतसाब अदालत में यूथ फेस्टिवल करप्शन केस की समाअत। साबिक डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर के जुडिशियल रिमांड में 17 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। मुंह मांगी अदायगी के बावजूद पानी का बोर काम करना छोड़ गया। शिकायत पर दुरुस्तगी से साफ इनकार कर दिया। कैंट का शहरी ठेकेदार के खिलाफ सारे फसाद पहुंचे।